दोस्तों ये वीडियो है कैनेडा टूरिस्ट वीजा PPR आफ्टर 3 ईयर्स हुण तक दी साडी सब तो बिगेस्ट अचीवमेंट है PPR दे विच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस इंसान को मैं कहूँगा कि बहुत वधिया जिन्होंने 3 ईयर्स अपनी वेट की, मिस्टर मंसूर जलील जी ने, पाकिस्तान के रहने वाले ने, दुबई के रेंदे ने, उत्थे जॉब कर रहे ने। आपां दा वीजा अप्लाई किया 2020 दे विच, 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 2023 उन्होंने PPR आई एंड ही इज़ वेरी मच हैप्पी कि सर मेरा अप्रूवल आ गया। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, ये कि उन्होंने अकाउंट पैसे खत्म हो चुके थे। मैंने कहते सर रीअप्लाई करें कि ना करें, मैं सर अकाउंट पैसे है नहीं कि रीअप्लाई क्यों करना, पुरानी फाइल लगी हुई लगी रहन दो, तुहाड़ी प्रोफाइल के उत्ते वीजा मिलेगा। उन्होंने परपज खत्म हो चुका सी जान का, उन्होंने होटल बुकिंग खत्म हो चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया। 3 साल थोड़े नहीं होंगे, सो 3 साल बाद उन्होंने बेसिक प्रोफाइल के उत्ते उन्होंने वीजा मिलिया। सो बहुत वड्डी गल है, उन्होंने स्पैशल उत्थे वीडियो बना के साडे वास्ते भेजी है, तुसीं देख सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबका, सब व्यूअर का, सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अपने कनाडा की स्टोरी जो कि सक्सेसफुल हुई है थ्रू वीज़ा हब। एंड थैंक यू सर रंजीत कि उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से। मैंने उनको 2018 से फॉलो करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने देखना शुरू किया कि सर रंजीत का क्या मतलब प्रोसेस रहता है और वो किस तरह मतलब एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं वीज़े के लिए। तो ये सफ़र मेरा रहा तकरीबन 2 साल का और फिर फाइनली मैंने सोचा कि अब सर रंजीत सर के साथ अपने कनाडा की एप्लीकेशन लगा लेनी चाहिए। तो फिर मैंने फाइनली 2020 के अंदर जो है सर रंजीत से बात की, उनसे बातचीत हुई और सबसे मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इनकी ये लगी कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मंगवाते हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लेते और आपके डॉक्यूमेंट्स पहले असेस करते हैं कि भाई आपकी क्या लेवल है, आपका क्या पोजीशन है, आपकी बैंक बैलेंस किस तरह है और आपकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह है, फिर आपको वो उस तरह गाइड करते हैं। तो मुझे इनका तरीका बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली 3 साल के बाद जब मैंने अपनी एप्लीकेशन थ्रू वीज़ा हब लगाई थी तो 2020 में लगाई थी और अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद जो है फाइनली मेरी जो है वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होकर। और मैं भी आपको कहूँगा कि देर मत कीजिए, ये हमारी जो एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस इस वजह से है कि आप लोग भी ज़्यादा ना सोचें और बग़ैर कोई देर किए आप जो है वो वीज़ा हब पे ट्रस्ट करें और उन्हीं के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन कनाडा के लिए लगवाएं। थैंक यू सो मच।